आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। इस वक्त में ठीक किश्तवाड़ का जो वार्ड नंबर 7 है, जिन्हें आप 2 साल से देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये चर्चे में है। यहां जो राप्ता सड़क की जो तामीर की गई थी, यहां पर जो ड्रेनेज का सिस्टम जो है सुधारने की कोशिश की गई थी, इस वार्ड नंबर 7 के बीचों बीच जहां आप देखते हैं जो सर इकबाल अकेडमी स्कूल है उसके सामने से एक ड्रेन को खोदा गया था। आप साथ में देखेंगे वहां एक चिल्ड्रन पार्क भी है। उसके बाद जो है हमारा जो स्थान की जो हमारे 2 दरगाहें हैं इसी रूट पर पड़ती हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ शमशान घाट का एरिया जब आता है, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो इसी रूट से जाते हैं, मगर अरसा दराज से इस राब्ता सड़क पर काम चालू है। मां न जाने किन वजूहात की वजह से इस इलाके के साथ सौतेली माँ का सुलूक किया जा रहा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतने अरसा दराज से इस राब्ता सड़क पर ड्रेन खोदी गई है, मां न जाने किस किन वजूहात को लेकर इस ड्रेनेज सिस्टम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज यहाँ के जो मकामी शख्स जो मकामी लोग हैं यहाँ के, इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, यानी मीडिया को बुलाकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खोलने की कोशिश की है। इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किया कि इस राप्ता सड़क को देखा जाए, मगर अफसोस इस बात का है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की तरफ ध्यान दे रही है। जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है आए रोज आप देखते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ म्युनिसिपलिटी में कमेटी में बैठे हुए चेयरमैन जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने किश्तवाड़ का नक्शा जो है बदल दिया है, मगर जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से उससे साफ आया हो जाता है कि म्युनिसिपलिटी जो म्युनिसिपलिटी किश्तवाड़ है वो सिर्फ बातें करती है मगर ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों तक अगर इस राब्ता सड़क को और इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक न किया जाए तो हम आने वाले दिनों के अंदर इस राब्ता सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी यहां की म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ की होगी और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ होगी। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। पहले कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर सर्व किया, क्योंकि हम अरसा दराज से इस अरसा 2 साल से इस ये दलदले में जो फंसे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये जो दलदला है यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी है और यहाँ मतलब ज़ारतगाह भी है, यहाँ शमशान घाट के रास्ते से भी यहीं से जाते हैं और फातह खानियाँ भी यहीं से होती हैं। बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर जो चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता है, तो हम मोदबाना गुजारिश करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द इसका जो है हल किया जाए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ हमारे हम जो मौजूदा यहाँ के महलेदार हैं हम सारे ही बच्चे लेकर यहाँ इस पर आ जाकर हम इसका धरना लगा देंगे। हम डीसी साहब से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे पहले भी हमने कई बार उनसे उनके कानों तक बात पहुँचाई, न मालूम उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके या कुछ, और फाइनली हमारा यही है कि अगर वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमारा काम ये कंप्लीट नहीं हो और ये दलदला ये जो गंदगी जो है ये यहाँ से नहीं हटाई जाए तो हम यहाँ सड़कों पर आ जाएंगे। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस सिचुएशन को और इस इशू को उजागर करने की कोशिश की। आप अगर ज़रा अपना कैमरा घुमाएंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस नक्शे को जो है ना मंजर आम पर लाइए। सबसे पहले इसका मंजर आम पर आना चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रही है कि आज तक पिछले 2 साल से इसका एग्जीक्यूशन है, कौन सी एजेंसी इसको काम कर रही है अभी तक हमें समझ नहीं आई। मेरे हिसाब से ये ड्रेन जो है ना इसका जो है ना वारी वारिस जो है ना हमें नहीं पता चलता कि इसका वारी वारिस कौन सा, हालांकि ये वार्ड जो है ना म्युनिसिपैलिटी में आता है, ये वार्ड नंबर 7 में फॉल करता है। आज तक हमने इस चीज को यही देखा कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है ना ऐसे चल रही है कि जैसे यहाँ कोई बेजान चीज जो है ना, बेजान लोग जो है ना यहाँ रहते हैं। हमने सोचा था कि ये ड्रेन का काम जो है ना कम से कम चल रहा है और ये अच्छा काम था, लेकिन जिसको पूछा कि ठेकेदार कौन है ना पता, इसका ठेकेदार का पता चलता है कि कौन है इसका ठेकेदार। और यहाँ जब जब इसको काम स्टार्ट हुआ कि ना यहाँ पर कोई टोन का, ना कोई PWD का, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी हमने कोई अथॉरिटी नहीं देखी जो इसको जो है वाच करे। आज हम मजबूरन जो है ना इस चीज़ का जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस काम को
जल्द जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ऐसा ना हो कि कोई इवेंचुअली यहाँ ऐसे आ जाए। मैक्सिमम जो है ना बच्चे इस रूट से चलते हैं, मैक्सिमम दोनों जो हैं ज़ियारतगाहें यहाँ से इनका रूट जो है ना यही है। यहाँ दो कब्रिस्तान हैं, सुबह जो है ना लोग जो है ना मस्जिद की तरफ रुख करते हैं तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे बुजुर्गों का चलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। हमारे दुकानदार जो है ना जितने भी यहाँ सब पर दुकानदार जिनका कमर्शियल यूनिट चलता है यहाँ पर, उनका जनाब वाली बिजनेस जो है ना ठप हो गया है। इतनी बदबू यहाँ से चल रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ अनकरीब जो है ना इस किस्म की बीमारी जो है ना फैल जाएगी कि इसका जिम्मेवार जो है ना जो इसकी अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन या PWD या नोटिफाइड एरिया कमेटी, उनको हम वार्न करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।